नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी बीच जो बागी विधायक है वो नई नई चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहे हैं। शिवसेना के बागी विधायक उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकते हैं, ये एक संभावना जताई जा रही है। इसके कई कारण हैं। शिंदे के पास दो तिहाई यानी 37 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन होने के बावजूद विधानसभा में अलग पार्टी की मान्यता मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर बागी गुट राष्ट्रपति चुनाव से पहले मसले का हल चाहता है तो उसके पास सबसे आसान, सबसे जो कन्वीनियंट एक रास्ता है, खुद का किसी दल में विलय हो जाना। ऐसे में एक बड़ी संभावना ये भी जताई जा रही है कि वो मनसे में शामिल हो सकते हैं। मनसे की ओर से भी कुछ ऐसे मैसेज सुनाई पड़ रहे हैं कि शिंदे गुट की ओर से उन्हें ऑफर आया है, हालांकि अभी इस पर मनसे चीफ को विचार करना बाकी है। मनसे नेता जो है वो इस बात पे कहते हैं कि राजनीति में कभी कोई संभावना ख़त्म नहीं होती है, दोनों पक्षों के लोगों की विचारधारा अगर एक जैसी है तो मिलके बैठने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए अगर वे साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की जनता के लिए भी अच्छा है। हालांकि अभी दोनों पक्षों के बीच केवल चर्चा ही शुरू हुई है, और उसी के बीच में अंदर से ये बातें निकल के आनी शुरू हुई है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने भी राज ठाकरे से 3 बार बात की है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि राज ठाकरे की सेहत जानने के लिए उनको फ़ोन किया, क्योंकि वो इस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन पहले ही उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। और शिंदे गुट डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल द्वारा अपात्र करार दिए गए अपने 16 विधायकों को बचाने के लिए जल्द से जल्द पहले से मौजूद किसी राजनीतिक दल से विलय करना चाहती है। मनसे का भले ही विधानसभा में एक विधायक है, लेकिन पार्टी लगभग पूरे महाराष्ट्र में स्थापित है, ऐसे में किसी अन्य दल के साथ विलय की जगह शिंदे गुट के लिए मनसे सबसे अच्छी पार्टी होगी। दोनों बालासाहेब की विचारधारा वाले हैं, उनसे प्रभावित हैं, उन्हीं की तरह से कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना को पटकने देने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इस्तेमाल करने की तैयारी भी की थी, ये भी सबको पता है। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों दलों के 14 जून को विलय की चर्चा भी शुरू हो गई थी। इस गठबंधन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरी झंडी भी दे दी थी, और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि शिंदे गुट को मनसे में जोड़ करके बीजेपी अपने प्लान को सफल कर सकती है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो काफ़ी कुछ जो बिखराव है वो ख़त्म हो जाएगा। ये भी चर्चा है कि आगामी महानगर पालिका चुनाव में भाजपा मुंबई और पुणे में मनसे को कुछ सीटें देगी, और शेष राज्य में भाजपा अपने दम पे ही चुनाव लड़ेगी। इस बारे में मनसे और बीजेपी के बीच अंतिम और अहम बैठक जो है 21 अप्रैल को हुई थी, इसमें संघ के लोग मौजूद थे। इसी बैठक में गठबंधन पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी, और सीटों के बंटवारे सहित कुछ और मामले थे जिन पे फैसला किया गया था। अब गुवाहाटी में होटल में रह रहे बागी विधायकों के पास मनसे के अलावा 2 और विकल्प भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहला, अब तक पर्दे के पीछे से समर्थन देती आ रही भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा शिवसेना के 39 विधायकों के साथ ही गुवाहाटी में बैठे विधायक बच्चू कुंडू की प्रहार पार्टी का। प्रहार पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कुंडू अब तक शिवसेना सरकार के मंत्री हैं, हालांकि बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने दम पे चुनाव जीत कर आते रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के अधीन नहीं रहेंगे।
बहुत सारी संभावनाएं हैं, कोई किसी को पसंद नहीं है, कोई किसी को पसंद नहीं है, और इसलिए भी मनसे के साथ बागी शिंदे गुट के विलय की संभावना है, क्योंकि दोनों पक्ष बाला साहब ठाकरे को अपना नेता बताते हैं और उनकी जो विचारधारा है उसको फॉलो करते हैं। दोनों के साथ आने से जमीनी कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना के जाने के कारण असंतुष्ट हुआ शिवसैनिक भी मनसे को स्वीकार कर लेगा। बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को डैमेज करने के लिए राज ठाकरे को एक नए हिंदुत्व नेता के तौर पे उभारना चाहती है, इसलिए ये राज ठाकरे के लिए सबसे बड़ा मौका होगा। राज भी अपनी पार्टी में एक नया नई तरीके से जान फूंकना चाहते हैं। ऐसे में अगर शिंदे गुट उनके साथ आता है और वो बीजेपी के साथ मजबूती से महाराष्ट्र में सेटल हो जाते हैं तो उन्हें काफी फायदा मिलेगा। बीजेपी की योजना भी है कि मनसे को मिला करके उद्धव की शिवसेना के वोट में सेंध लगाई जाए। इससे मुंबई, पुणे और राज्य के अन्य नगर निगम चुनाव पे काफी असर पड़ सकता है। अच्छा, बीजेपी को ये उम्मीद भी है कि मनसे पार्टी शिंदे गुट और भगवा झंडे के साथ अपने नए अवतार में स्थानीय निकाय चुनाव में कम से कम बड़े शहरों में मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नासिक में जीत सकती है। बीजेपी और राज ठाकरे की नजदीकी की वजह से उन सैनिकों को वैकल्पिक मंच मिल जाएगा जो कि उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा के कमजोर पड़ने से नाराज है। अब शिवसेना के संगठन पर अब भी उद्धव की काफी पकड़ है। शिवसेना के 55 में से 39 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, लेकिन संगठन के मोर्चे पे उद्धव ही शिंदे के पे भारी पड़े हुए हैं। शिवसेना संगठन में 12 नेता, 30 उपनेता और 5 सचिव, एक मुख्य प्रवक्ता, 10 प्रवक्ता में से अधिकांश उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो सीन बन रहा है वो ये बन रहा है कि एक ये संभावना भी हो सकती है। राज्य में 14 महानगर पालिकाओं और 2,208 नगर परिषद, 13 नगर पंचायत के चुनाव जल्द आने वाले हैं। इनमें टिकट उद्धव और आदित्य देने वाले हैं, इसलिए सामान्य शिव सैनिक इस उम्मीद के साथ ठाकरे के साथ हैं कि उन्हें टिकट मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा घालमेल है। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि स्थिति क्या बनती है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।